तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मैंने नॉर्थ कैंपस के फेमस मैगी जॉइंट टॉम अंकल की 20 से ज्यादा तरह की मैगी ट्राई करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देखना। और आज आई एम गोइंग इवन बिगर विद लिटरली ट्राइंग एवरी काठी रोल दैट 34 चरंगी लेन हैज अवेलेबल ऑन देयर मेन्यू। दिस वीडियो इज गोना बी एपिक, सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड। 34 चरंगी लेन का एम रहा है कि वही आपको कोलकाता का खास काठी रोल का टेस्ट यहाँ दिल्ली में सर्व कर पाए। अब इनके अक्रॉस इंडिया 40 से ज्यादा आउटलेट्स हैं एंड वन इन पटाया थाईलैंड एज वेल। इनके मेन्यू का मैं आपको बताऊँ ना तो उसमें 25 से ज्यादा वेराइटीज है काठी रोल्स की, जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए अवेलेबल है एंड जिसमें से 16 आर सुपर यूनिक। तो आज मैं जाने वाला हूँ 34 चरंगी लेन के एक आउटलेट पर और ट्राई करने वाला हूँ इनकी सारी वेराइटीज, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आओ तो आपको बताओ कि आपको क्या ऑर्डर करना है। तो मैं हूँ आयुष, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। चलिए चलते हैं आज 34 चरंगी लेन और ट्राई करते हैं इनकी पूरी 16 वेराइटीज ऑफ रोल। लेकिन यार अब इतने सारे रोल खाने हैं तो खर्चा भी तो बहुत आएगा और पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐप के बारे में जहाँ से आप जीत सकते हो रियल कैश प्राइजेस। इस एप्लीकेशन का नाम है क्लासिक रमी। ये एक स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप है। अगर आपने पहले रमी खेला है तो आपके लिए जीतना बहुत ही आसान होगा, और नहीं खेला तो आप जाइए सीखिए और उसके बाद जीतिए। इसकी विनिंग्स आप एक घंटे के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और 24/7 सपोर्ट है वो अलग। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप मेगा 100 कोड यूज करिएगा ताकि आपको 5,000 रुपए का बोनस और 500 रुपए तक का कैश मिले आपके पहले डिपॉजिट पर। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो जाइए डाउनलोड करिए और जीतिए खूब सारे कैश प्राइजेस। मैं भी जरा अंदर जाने से पहले एक दो गेम खेल लेता हूँ ताकि कुछ पैसे जीत जाऊँ, यार रोल का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा ना। हेलो सर, कौन सा रोल चाहिए सर? काठी रोल। कौन सा काठी रोल? सारे। 34 चरंगी लेन की बेसिकली दिल्ली में बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, ऑल अक्रॉस इंडिया भी 40 आउटलेट्स हैं। 40 प्लस। लेकिन मैं जिस पर अभी आया हूँ वो है पंजाबी बाग क्लब रोड। क्लब रोड पे। I'm with Anil. Anil, first of all, how are you? Fine sir, how about you sir? बढ़िया। तो अनिल, ये वाली फ्रेंचाइजी आपने कब शुरुआत करी इसकी? सर ये इनिशियली मार्च में स्टार्ट हुआ था, कोविड से पहले ही, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ड्यूरिंग कोविड? ड्यूरिंग कोविड, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमने स्टार्ट कर दिया था। देन कोविड हो गया तो हमने सब टेक अवे पे शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। हमें सिटिंग कस्टमर गेस्ट के लिए नहीं था। तो वैसे अनिल, लाइक 40 प्लस आउटलेट्स ऑल अक्रॉस इंडिया आपने भी जब ये फ्रेंचाइजी ली, तो आपने ये चीज कैसे अश्योर करी कि आपकी फ्रेंचाइजी पर, आपके इस आउटलेट पर वही सेम टेस्ट मिलेगा जो कि उनके फर्स्ट आउटलेट पर मिलता होगा? सर ये जो हमारी कंपनी है इनकी अपने SOP सेट हैं, इनका बेस किचन है, वहीं से सारी सप्लाई आती है बेसिकली। कि हम अपने आउटलेट में खाली परांठा है जो हम नीडिंग करते हैं, फुल मेक करते हैं, जितना भी स्टफिंग है वो सब किचन से ही आता है हमारा। जो SOP सेट हैं टेस्ट आप सेम, आप दिल्ली में लीजिए, गुड़गांव का ट्राई कीजिए या आगरा का ट्राई कीजिए, सेम या नोएडा, सेम टेस्ट होगा। अच्छा, सिर्फ मतलब कुछ चीजें हैं जो कि हम ऐड करते हो, बाकी सारी चीजें प्रीसेट, रेसिपी आर सेट। अच्छा। जो स्टाफ है वो ट्रेन अकॉर्डिंग टू विद रेसिपी होता है। ऑलराइट, एवरीथिंग आर सेम, सब कुछ सेम है, सब सेम रहता है। तो अनिल, मेन्यू के ऊपर लाइक इतनी वैरायटीज हर आउटलेट पर है? यस सर, मेन्यूज आर सेम, मेन्यू सेम है। और कितनी वैरायटीज होंगी नंबर्स में? अराउंड, अगर हम रोल्स की बात करें तो काटी रोल्स की बात करें तो अराउंड 17-18 रोल होते हैं। अच्छा। अब शवरमा ऐड कर देंगे तो मोर देन 20 हो जाते हैं। और ये सारे यूनिक है? यूनिक है। और वैसे अनिल, जैसे चरंगी लेन तो काठी रोल मतलब कोलकाता का ऑथेंटिक टेस्ट सर्व करता है, तो क्या आपको कभी मौका लगा कोलकाता का टेस्ट? नॉट राइट नाउ, अभी तक नहीं हुआ। नहीं सर, चलो साथ में चलेंगे। डेफिनेटली डन है। तो अनिल, आज की वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, इन 20-25 डिफरेंट और यूनिक वेराइटीज में आप मुझे कितने टेस्ट करा सकते हैं? ऑल, सारे। पक्का? डेफिनेटली। आप सोच लीजिए। Definitely, कोई इसी वीडियो में। इसी वीडियो में जल्दी ट्राई करते हैं 34 चरंगी लेन के सारे काठी रोल्स आज इसी वीडियो में, और आपको उन सभी का टेस्ट बताते हैं। आई एम इन द किचन आप लोगों को दिखाने के लिए कि 34 चरंगी लेन्स के ये जो रोल बनते हैं इतने टेस्टी कैसे बनते हैं आखिरकार। तो अनिल, इनका प्रिपरेशन प्रोसेस कैसा रहता है? फर्स्ट सर, हम जैसे डो नीडिंग कर रहे हैं, अभी ये परांठा बना रहे हैं, तवे पे सेकेंगे इसे, कूल डाउन करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद जो हमारी फिलिंग है वो हम माइक्रो करेंगे, उसके बाद फिर जब परांठा रेडी हो जाएगा हम फिलिंग डालेंगे। हाँ जी। अनियन चाट मसाला डालते हैं, रोल रैप करके दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ मिंट चटनी एंड केचप। फिलिंग जो है माइक्रोवेव होती है, पर क्या फिलिंग फ्रेश होती है? फ्रेश होती है, फ्रेश होती है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है FSSAI के, उसके हिसाब से ही होती है। ठीक है। अब तो काठी रोल लाइक काफ़ी जगह अवेलेबल होने लग गए हैं, रोड साइड स्टॉल्स भी लगने लग गए हैं, बट चौरंगी का टेस्ट अभी भी इतना मशहूर क्यों है और इतना स्पेशल क्यों है?
34 चौरंगी लाइन, चौरंगी लाइन के जो रोल्स है ना, हाँ जी, फेमस और जो हमने ऑथेंटिक कोलकाता वाली रेसिपी है वही फॉलो करते हैं। अच्छा, तो रेसिपी वही है, हम SOP सेट है, हम जो आप एक रोल कहेंगे हर जगह वही रोल होता है। हाँ जी, हम वरी नहीं होता है, मतलब रेसिपी में कोई चेंजेस नहीं है, हर जगह सेम ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जो हमारे ऑनर हैं वो इसमें काफ़ी R&D कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने ही रेसिपी सर सेट करे हुए सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ मतलब डुप्लीकेट नहीं कर पाते, डुप्लीकेट कोई नहीं कर पाता, इनिशियली ट्राई करते हैं, हो जाता है, पर मार्केट ऊपर नीचे बहुत होता है तो वो मेंटेन नहीं कर पाते चीज़ों को, तो इसलिए वो फिर स्पॉइल हो जाता है। अनिल, मैक्सिमम कितने एग्स का रोल बन जाता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। एज यू विश सर, की 4-5 ऑन पीक डेज, जस्ट अगर आप कंफर्टेबल हो तभी बताना, कि हाउ मेनी रोल्स डू यू सेल ऑन अ गुड डे। ऑन अ गुड इट्स नॉर्मल सर, अराउंड 150-170 रोल्स। 150 एंड 170 रोल्स? यस सर, इन वन डे। इन अ वन डे। इस जैसे एक रोल की अनिल कॉस्ट कितनी होती है, दिस पनीर टिक्का? सेलिंग कॉस्ट, पिछली वीडियो में आपने देखा था कैसे मैंने नॉर्थ कैंपस में टॉम अंकल के पास जाकर 23 तरह की मैगीज ट्राई करी थी, बहुत ही यूनिक थी। और इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट पर रन करते हुए इस बार मैं आया हूँ 34 चुरंगी लेन, जो कि इनका पंजाबी बाग में आउटलेट है। तो ये आउटलेट बेसिकली मार्च में ओपन हुआ है और द सेम टेस्ट, द सेम क्वालिटी दे आर सर्विंग हेयर। अब मैं आपको बताऊँ कि इनके मेन्यू में जो भी 16 तरह के लाइक यूनिक रोल्स अवेलेबल थे, काठी रोल्स, वो सारे मैंने अभी ऑर्डर करे हैं और सारे एक एक करके हम टेस्ट करेंगे, बिकॉज ये चीज़ थोड़ी मज़ेदार रहेगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आपको आओ तो आपको पता होगा कि कौन सा रोल कैसा दिखता है, टेस्ट में कैसा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको भी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताऊँ कि ये 16 यूनिक तरह के रोल है कौन कौन से। फर्स्ट वी हैव देयर स्पेशलिटी बेस्ट सेलिंग रोल, पनीर टिक्का रोल, वेजिटेरियन की कैटेगरी में है, डबल एग रोल। इसके बाद हमारे पास है सोया मलाई चाप रोल, देन वी हैव चिली चिकन रोल, चिकन काली मिर्च रोल, चिकन गार्लिक रोल, चिकन गलौटी कबाब, बटर चिकन रोल, मटन सीख रोल एंड लाहौरी चिकन कौरमा रोल, जो कि नया है। एंड देन वी हैव मशरूम रोल इन वेजिटेरियन सेक्शन, चिली पनीर, सोया अचारी, मंचूरियन रोल, चिली पोटैटो एंड मिक्स वेजी रोल। ओके, द वेराइटी मतलब बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही अलग अलग तरह की है, इट विल बी फन, मतलब मजा आएगा, लेट्स ट्राई। एक एक करके शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस पनीर टिक्का रोल। सारे रोल्स चाहे आपके वेजिटेरियन हो चाहे आपके नॉन वेजिटेरियन हो, 60-200 की रेंज में सारे कवर हो जाते हैं, विच मेक्स इट अ गुड ऑप्शन फॉर अ स्नैक। बेस्ट थिंग अबाउट चौरंगी के काठी रोल की ना, कि द आउटर क्रस्ट, द पराठा दैट दे यूज, वेरी क्रिस्पी, वेरी फ्लेकी, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और यही चीज़ इसके टेस्ट को इतना खास बनाती है, इतना स्पेशल बनाती है। अंदर की फीलिंग बेसिकली अगर आपने ट्राई किया है तो आप जानते ही होंगे कैसी रहती है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास अनियंस रहते हैं, वी हैव चिली पनीर है, तो हमारे पास चिली पनीर की स्टफिंग होगी, देन वी हैव सॉसेस, रेड सॉस, देन वी हैव ग्रीन सॉस। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्राई करना है तो फटाफट करेंगे हम लोग। दिस इज अमेजिंग यार, पहली वाइट और आई एम अ फैन, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, दैट इज द आउटर क्रस्ट, जो इनका बेसिकली पराठा होता है, सुपर फ्लेकी, क्रिस्पी, सुपर फिलिंग। एक रोल इतना सफिशिएंट होता है कि आपका अच्छा खासा पेट भर सकता है, और नहीं भी भरता तो आप दो रोल खा सकते हो, भाई आपको किसने रोका है। द सॉसेज आर सुपर डिलिशियस, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो ये बन पा रहा है और इतना टेस्टी बन पा रहा है। देन वी हैव दिस सोया मलाई चाप रोल, मलाई चाप बेसिकली स्टॉल्स वगैरह पे भी आपको सेपरेट मिलती है, मलाई चाप मिलती है, मलाई चाप रोल मिलता है, लेकिन मलाई चाप का काठी रोल बना देना अलग ही एक तरह का इनोवेशन है, ये ट्राई करता हूँ। दिस इज सुपर गुड, मतलब मुझे पता नहीं था कि वेजिटेरियंस में भी इतने अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, तभी मैं ज्यादा नॉनवेज प्रेफर कर रहा हूँ, नॉनवेज बहुत टेस्टी होता था, बट वेज पूरे पूरे टक्कर दे रहा है और डेफिनेटली वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, द मलाई चाप इज वेरी टेस्टी। 16 के 16 रोल ना एक दूसरे से बहुत अलग है, इसी वजह से मैंने सारे अलग अलग ऑर्डर करे थे, क्योंकि हर रोल की जो अंदर की स्टफिंग है दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट मेक्स द टेस्ट वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, बेस्ट काठी रोल एवर, जो कि मैं हमेशा घर पे ऑर्डर करता हूँ, दैट इज दैट डबल एग रोल। स्वाद आ गया जी, मुझे इतनी देर का वेट वर्थ हो गया, आई एम कंफर्मिंग इट अभी इसी वीडियो में,
कि दिस रोल हैज द सेम टेस्ट जो मैंने सत्या में ट्राई करा है, जो मैंने रोहिणी में ट्राई करा है, और जो अब मैं पंजाबी मैंग में ट्राई कर रहा हूँ. मतलब ब्रांचेस बहुत सारी है बट द टेस्ट इज सिमिलर. अभी लास्ट रोल है जो कि मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ. मैं आपको समझाता हूँ क्या. दिस इज चिली चिकन रोल, प्राइस अराउंड 170 रुपीस. अब ये जो चार रोल्स है ना, बेसिकली ये चार रोल्स मैंने फुली ट्राई करे हैं, लेकिन ये 12 रोल्स है ना, मैं कोई भी वेस्टेज अवॉइड करने के लिए सारे रोल्स इसके बाद हाफ हाफ में कट करवा लूंगा, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो. वी जस्ट टेस्ट एंड गिव यू द रिव्यू, लेकिन कोई भी फूड वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेरी आपको अश्योरिटी है. ट्राई दिस चिली चिकन रोल, डबल एग रोल माई फेवरेट यार, अभी तक चेंज नहीं हुआ. मुझे सिर्फ वही लग रहा है कि इस रोल के अंदर अगर डबल एग हो जाता ना तो मेरा मजा आ जाएगा. मेरे टेस्ट के रिक्वायरमेंट में मुझे तो लगता है कि इस पराठे के साथ एग डेफिनेटली ऐड करवाना चाहिए, क्योंकि भाई उसकी बेस्ट बात है. दिस रोल इज वेरी गुड. मतलब कंपैरेटिवली मुझे ये थोड़ा कम पसंद आया. वेजिटेरियन ने लाइक नॉन वेज को फेल कर दिया मेरे लिए. तो अभी चिकन के और भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं. बटर चिकन है जी, मटन सीख रोल है, क्या मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद आए. इसके अंदर डबल एग और ऐड हो जाता ना, स्वाद ही आ जाता. बहुत सही. Now I have a question for you. कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि जैसे चौरंगी तो हमने कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड टॉम अंकल मैगी पॉइंट, 23 मैगीज कवर कर ली, 16 रोल अभी हम कवर करने वाले हैं, 12 भी हमारे बचे हैं. नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, कौन सा ऐसा आउटलेट है जिसकी आप सारी वेराइटीज कवर होते हुए देखना चाहते हो, जरूर सजेस्ट करना. तो अब नेक्स्ट 12 की तरफ चलते हैं और कट करवा के टेबल पे मंगवाते हैं. लेट्स गो. दिस इज देयर चिली पोटैटो रोल. बड़ा क्यूट सा बाइट बन गया है. मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं सोच रहा था चिली पोटैटो लाइक हमें चाइनीज स्टॉल्स पे देखने को मिलता ना वैसा होगा, बट थोड़ा सा अलग तरीके का प्रिपरेशन है. चीज तो सही है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अलग है. चिली पोटैटो मुझे चाइनीज स्टॉल्स जैसा लगा था. ये काइंड ऑफ मैश्ड पोटैटोज हैं, चिली का एसेंस है जो कि बाकी रोल्स में नहीं था. एज द नेम सजेस्ट, इनको ये मिनी वर्जन भी ऐड करने चाहिए ना मेन्यू में, कि जिसको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी और कम भी नहीं लगी, वो मिनी वर्जन मंगा सके. बटर चिकन रोल ऐसा है. अरे वाह, इस ग्रेवी के अंदर जो मसाले थे, दैट वॉज फैंटास्टिक. ये शायद अभी तक का बेस्ट हो सकता है. ग्रेवी बहुत मसालेदार है, बहुत यमी है. मिक्स वेजी रोल, डिसेंट. बटर चिकन लाइक प्रीमियम क्वालिटी खाने के बाद लाइक वेजिटेबल से या वेजीज, मतलब ऑब्वियस है ना वो तो. नेक्स्ट मिलता है मटन सीख रोल, हमने कटवा दिया है. इसके अंदर यू विल सी दिस मटन के पीसेस, मटन सीख जो सीख की फॉर्म में होता है उसी तरीके से है. वेरी डिसेंट ऑप्शन है आपके लिए. इससे हमारे पास मंचूरियन रोल, चलो ट्राई कर लेते हैं. ये बढ़िया है. जो मंचूरियन बॉल्स होती है ना, वही है इसी के अंदर, उसी चीज़ की स्टफिंग है. ये कॉम्बिनेशन काफ़ी टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा. मेरी जो टॉप लिस्टिंग है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और जो रैंकिंग होगी वो मैं एंड में बताऊंगा, आप वेट ज़रूर करना. आपका फेवरेट रोल कौन सा है, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना. चिकन गार्लिक, तब मेरा पेट भर रहा है यार. द फ्यूजन्स आर वेरी इनोवेटिव. लाइक इनको पहले से ही पता था कि कस्टमर्स को ऐसे फ्यूजन्स डेफिनेटली पसंद आने वाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग जो है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाइक प्लेन भी पसंद आती हैं, और जब उनको एक रोल की फॉर्म में दे दिया जाए, ऊपर से एग पराठा बना दिया जाए, तो मतलब वो तो एक बल्ले बल्ले हो गए जी आपके. ये सारे बचे हुए रोल्स अभी भी इसके अंदर हैं अनटच्ड. वी हैव सोया अचारी रोल, ये थोड़ा ओकेश है. सोया मलाई साहब बहुत टेस्टी था, सोया अचारी मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा फीका पड़ गया. चिकन काली मिर्च, चिकन काली मिर्च, ये रहा मेरा स्मॉल बाइट. Then we have chili paneer. Skip करने. जैसा हमने चिली चिकन ट्राई करा था, इससे भी मैं सेम एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ. तू पीछे पड़ जा मेरे. Alright, so this was the chili paneer roll. पनीर वेरी फ्रेश, और इसके अंदर स्पाइसीनेस है. इसके अंदर वो स्पाइसीनेस है जो कि आप अगर इस काठी रोल से एक्सपेक्ट करते हो, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये चिली वाले फ्लेवर्स के साथ जाइए. देन वी हैव मशरूम रोल, और इसके बाद हमने दो बचा के रखे हैं चिकन में. लास्ट चिकन से एंड करेंगे यार, मतलब वेजिटेरियन ना थोड़ा. मशरूम मंचूरियन डल गया लगता है. नेक्स्ट वी हैव लाहौरी चिकन कौरमा. तो बेसिकली चिकन की स्टफिंग इसके अंदर भी होगी, बट द मसालास, द वे ऑफ प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट. जो कि आप लाहौरी चिकन कौरमा से लाइक एक्सपेक्ट करोगे, या फिर जो आप चिली चिकन देखोगे ना,
होती तो चिकन की स्टफिंग है लेकिन मसाले बदल जाते हैं, बनाने का तरीका बदल जाता है। देखते हैं कैसे। हल्का हल्का स्मोकी टेस्ट है इसके अंदर। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट फ्लेवर था। अभी तक मैंने जो ट्राई करे हैं वो यूजुअल फ्लेवर हैं, हमने बाहर कहीं पर लाइक एज अ प्लेट में ट्राई करे हैं, बट ये दिस वॉज वेरी डिफरेंट। लाहौरी चिकन कौरमा रोल ये काफ़ी डिफरेंट था। देन वी हैव लास्ट, हमारा आज का आखिरी, इसके बाद आई विल टेल यू मुझे सबसे ज़्यादा कौन से रोल्स पसंद आए हैं। दिस इज चिकन गलौटी कबाब रोल। यूजुअली हम लोग गलौटी कबाब ट्राई करते हैं, लखनऊ की बहुत फेमस डिश है, दिल्ली में भी काफ़ी जगह मिलती है, बट उसको काठी रोल की फॉर्म में सर्व करना, मतलब हमारी तीन सिटीज़ का फ्यूजन हो गया। वी हैव कोलकाता एंड वी हैव लखनऊ एंड थर्ड हम इसे खा रहे हैं दिल्ली में। ओके, इसके चिकन के पीसेस देखो कितने सही लग रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कबाब की बात, ये देखिए पीसेस कितनी आसानी से टूट रहे हैं, मैश्ड फॉर्म में डले हुए हैं। देखते हैं प्राइस रेंज सिमिलर 60-200 की रेंज में आपको ये सारे रोल, जो भी लोग थोड़ा सा मैस थोड़ा सा अवॉइड करना प्लीज़, तो ये सारे रोल आपको इसी रेंज में ट्राई करने को मिल जाएंगे। लेट्स ट्राई द लास्ट वन एंड लेट्स उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। हाँ ये बढ़िया है, ये बहुत सही है। गलौटी कबाब ऑलरेडी बहुत टेस्टी होता है एंड उसको लाइक एक तरह से मुगलाई पराठे के साथ, कभी कभी आपके रुमाली रोटी के साथ भी सर्व किया जाता है, ये आपका काठी रोल के साथ उस पराठे के साथ सर्व किया जा रहा है। इसके साथ आप एक एग की लेयर भी डलवा सकते हो, जो कि डेफिनेटली मैं डलवाना आपको और ज़्यादा बेटर लगेगा इसका टेस्ट, बट ये काफ़ी अच्छा था। फाइनली मेरे 16 रोल्स मैंने ट्राई कर लिए। नेक्स्ट टाइम आप भी कभी पंजाबी बाग साइड आओ, 34 चौरंगी लेन आना और ये सारे रोल्स ट्राई करना। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा कौन कौन से पसंद आए। तो अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ, बटर चिकन रोल वॉज माई फेवरेट हैंड्स डाउन, द बेस्ट रोल एवर, और डबल एग रोल बहुत टेस्टी था नॉन वेजिटेरियन में। वेज में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास सोया मलाई चाप रोल था ना, जो स्टार्टिंग में टेस्ट किया था, वो बहुत ही टेस्टी था। एंड इसके साथ दूसरा मुझे ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मंचूरियन रोल बहुत टेस्टी था, बहुत ही अलग तरीके का फ्यूजन था और डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। तो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने ये सारी वेराइटीज़ देखी होगी। और अगर आप ये पंजाबी बाग साइड विजिट करो तो डेफिनेटली 34 चौरंगी लेन आना, और इनमें से कोई भी रोल जो भी आपको पसंद आया हो इस वीडियो में वो ट्राई करके जाना। इन 16 वेराइटीज़ के अलावा भी बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं, शेक्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस, आप जो आकर ट्राई कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और उनको दिखा सकते हो कि चौरंगी लेन पे इतनी सारी वेराइटीज़ हैं और आप लोग प्लान कर सकते हो एक विजिट। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक अगर आप वहाँ देख रहे हो तो। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट के लिए आपके पास जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू वॉचिंग, दिस इज आयुष, टेक केयर, बाय बाय।